हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर योर ऑनलाइन स्टडी चैनल। फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लेकर आए हैं आईसीटी के, जिनको आपको सॉल्व करना है, साथ ही साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी इसके दिखाते जाएंगे। तो चलिए बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सीधे चलेंगे क्वेश्चन पे। नीलम, गीतांजलि, पुष्पा, प्रणाम बेटा, अभिजीत, सैफी, सत्यरंजन, वैशाली, हिना, निवेदिता, स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप कि अब कोई गलती ना हो किसी से भी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर वन, टाइम स्टार्ट हो गया अब। क्वेश्चन नंबर वन, द मेन कंपोनेंट्स ऑफ सीपीयू आर। शालिनी, गुड आफ्टरनून बेटा, जल्दी से आंसर करो, बहुत इजी आंसर है इसका। राधा, गुड आफ्टरनून, पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्या होगा इसका सही आंसर? सीपीयू के जो दो मुख्य घटक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? वैशाली ने सबसे पहले आंसर दिया, फिर निवेदिता ने, और सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन, कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है? एएलयू का फुल फॉर्म बताएं जरा। ALU, what is the full form of ALU? अभिजीत, शालिनी करेक्ट आंसर, राधा करेक्ट, देवेंदु करेक्ट आंसर। ALU stands for, जल्दी से बताएं, बीच बीच से मैं क्वेश्चन पूछती भी जाऊंगी। ये पूरा PDF आपको पढ़ने को मिलेगा। सही आंसर है कंट्रोल यूनिट और ALU। कंप्यूटर में अनिवार्य रूप से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक सेट होता है, सीपीयू, जिसे कि कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। सीपीयू के तीन पार्ट होते हैं, वो तीन पार्ट कौन कौन से होते हैं जल्दी बताएं? सीपीयू के तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं सीपीयू के तीन पार्ट? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, वेरी गुड निवेदिता, वैशाली। अब जरा मुझे ये बताओ, सीपीयू के भी तीन भाग होते हैं। सुरजीत करेक्ट आंसर बेटा, सीपीयू के तीन पार्ट कौन कौन से होते हैं? स्क्रीन पर भी आपको दिख जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे। घटक की बात करें तो कौन कौन से होते हैं? सीपीयू कंप्यूटर का दिमाग है, कभी कभी प्रोसेसर या सेंट्रल प्रोसेस के रूप में संदर्भित किया जाता है, जहां गणनाएं होती हैं। सीपीयू प्रोग्राम को निष्पादित करता है, सभी सॉफ्टवेयर के संचालन को नियंत्रित करता है। सीपीयू के तीन प्रमुख घटक होते हैं सीयू, यह माइक्रो प्रोसेसर के सबसे महत्वपूर्ण भागों में से एक है। उसके बाद नियंत्रण इकाई मेमोरी से निर्देश निकालती है और उन्हें डिकोड करती है। सीपीयू में कंट्रोल यूनिट की भूमिका मैनेजर की तरह होती है। दूसरे शब्दों में यह सभी हार्डवेयर कार्यों को नियंत्रित और समन्वित करता है। अंकगणितीय और तर्क इकाई यानी ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अंकगणितीय कार्यों के अलावा ALU तर्क संचालन को भी संभालता है। प्रणाम पल्लवी, ऋतु, देखते जाओ बेटा सब लोग, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, पढ़ते जाओ स्क्रीन पे। उसके अलावा बात आती है प्राथमिक मेमोरी यानी मुख्य मेमोरी की, पढ़िए इसको। इसमें रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जहां उपयोगकर्ता के प्रोग्राम और डेटा को चलाने के लिए संग्रहित किया जाता है। रीड ओनली मेमोरी यानी ROM, जहां स्थायी प्रोग्राम और डेटा निर्माता द्वारा अंतर्निहित होती है। तो यहाँ स्पष्ट हो गया भाई, सीयू और ALU सीपीयू के दो घटक हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन, बस क्या होता है और रजिस्टर क्या होता है? बस और रजिस्टर क्या चीज होती है? यह एक कंप्यूटर नेटवर्क में डेटा संचार प्रणाली है। ALU और सीयू, जो कि आंतरिक और बाह्य रूप से उन बसों द्वारा जुड़े होते हैं जो बीच में बाइनरी सिग्नल ले जाती है, वही रजिस्टर क्या होते हैं? सीपीयू के छोटे स्क्रैच पैड के रूप में सोचा जा सकता है, अस्थाई रूप से निर्देश या डेटा को संग्रहित करता है। किस रूप में? अस्थाई रूप से।
इंग्लिश हिंदी दोनों में है यहाँ पे। तो ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी क्लास के तुरंत बाद, सब लोग पढ़ लेना एक बार इसको, ठीक है। बहुत से क्वेश्चन आप इसी में से ही सॉल्व कर दोगे। मान लीजिए आपके सामने अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के बारे में पूछा गया, यहाँ पर 1 2 3 4 पॉइंट आपको दिए गए, उसके बाद आपसे कोड में पूछा गया कि आपको क्या लग रहा है, 1 ऑप्शन सही है, 2 ऑप्शन सही है, 3 सही है या 4। तो आपको जब ये पॉइंट्स पता होंगे तभी आप उसको सही कर पाओगे, इसलिए इन एडिशनल पॉइंट्स को आप जरूर पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने, आंसर करिए। किटी, प्रीति, गुड आफ्टरनून बेटा, आंसर करिए नेक्स्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 2, द स्पीड ऑफ प्रोसेसर ऑफ अ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? गुड आफ्टरनून मोनोजीत बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करो सब लोग। द स्पीड ऑफ प्रोसेसर ऑफ अ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन, बिल्कुल सही है आंसर, हर्ट्स में। ये ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति हर्ट्स में मापी जाती है। जैसे आपसे मैचिंग में भी पूछा जा सकता है, जहां पर आपको अलग अलग चीजें पूछी जाएंगी, ये पढ़ लेना, ये पूरा चीज है। 3.2 गीगाहर्ट्ज की घड़ी की गति वाला एक सीपीयू प्रति सेकंड 3.2 बिलियन चक्र निष्पादित करता है। क्लॉक स्पीड यानी घड़ी की गति, क्लॉक स्पीड इज द सिग्निफिकेंट वे टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसेसर। पूरा पढ़ लेना बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखो। थैंक यू निवेदिता फॉर शेयरिंग टेलीग्राम लिंक। जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं हमें टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको ये फ्री पीडीएफ मिल जाएगी क्लास की। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, कोड आपके सामने दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अतुल्यकालिक संचार निम्नलिखित में से किस तकनीक के माध्यम से होता है? कोई बात नहीं मोनोजीत, अपना ध्यान रखो बेटा, क्योंकि तबीयत सही होनी भी बहुत जरूरी है, तभी चीजें समझ में आएंगी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, डी ई एफ, यानी कि ब्लॉग, चर्चा का बोर्ड और फिर से ब्लॉग, क्या होगा इसका सही आंसर? डी ई एफ, पक्का ना? यही है, सब लोग बताओ यही होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। असिंक्रोनाइज कम्युनिकेशन की बात हो रही है यहाँ पे। गुड आफ्टरनून लता, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं अब हम लोग। उससे पहले यहां पर देख लो जरा, अतुल्यकालिक क्या चीज होती है? ई लर्निंग में उपयोग की जाने वाली संचार तकनीकी अतुल्यकालिक। अतुल्यकालिक बातचीत में शिक्षार्थी और शिक्षक एक ही समय में मौजूद नहीं होते हैं। जहां पर अतुल्यकालिक क्या होता है? जहां पर शिक्षार्थी और शिक्षक एक समय में मौजूद नहीं होते हैं। अब यहां पर देखो, जिसमें एक शिक्षक छात्र को एक कार्य या असाइनमेंट सौंपता है और उसे जमा करने के लिए समय सीमा आवंटित करता है, अतुल्यकालिक। जमा करने के बाद शिक्षक कार्य के माध्यम से जाते हैं और प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं, अतुल्यकालिक बातचीत के लिए उपकरण। याद रखिएगा कौन कौन से? ईमेल। इसमें छात्र और शिक्षक के बीच बातचीत का मूल माध्यम होता है, असाइनमेंट वगैरह भेजे जाते हैं, विचार विमर्श, ब्लॉग, इसका उपयोग शिक्षक छात्रों के साथ अध्ययन सामग्री और नोट साझा करने के लिए कर सकते हैं, वीडियो लॉग, मतलब इसमें आपको कंटेंट तो अवेलेबल मिलता है
लेकिन डायरेक्टली आपका इंटरेक्शन नहीं होता, ठीक है? ब्लॉग, वीडियो लॉग, उसके अलावा ये सब चीजें एग्जाम्पल में पूछी जा सकती हैं। सिंक्रोनाइज यानी तुल्यकालक, सिंक्रोनाइज वो था अतुल्यकालिक, ये है तुल्यकालिक। इसमें क्या होता है, शिक्षक और छात्र के बीच में इंटरेक्शन रियल टाइम में होता है, सिंक्रोनाइज में। जैसे कि जब आप टेलीकॉन्फ्रेंसिंग करते हो तो एक दूसरे को सामने देखकर बातचीत करते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हो, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग जब एक दूसरे के जो है बात करते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इसमें भी आप लोगों का इंटरेक्शन रहता है। आभासी कक्षा, इसमें भी इंटरेक्शन होता है। एग्जाम्पल याद रखिएगा, तात्कालिक संदेशन, इसमें भी आपका इंटरेक्शन रहता है। ये कौन सा है, सिंक्रोनाइज, जहां पर इंटरेक्शन होता है, यानी आप एक जैसे आप हो, आप और हम हैं, एक दूसरे को सुन रहे हैं ना, आप मेरी बात सुन रहे हो, रिस्पॉन्स कर रहे हो, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिंक्रोनस। उसके अलावा अगर हम आपसे कहें जाइए वेबसाइट पर, फ्री स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, वहां से आप स्टडी मटेरियल ले लीजिए, तो वो क्या कहलाएगा, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी मैंने कंटेंट अपलोड किया हुआ है, लेकिन मैं वहां पर खुद नहीं हूं, तो वहां पर क्या हो जाएगा बेटा, अतुल्यकालिक यानी अनसिंक्रोनाइज हो जाएगा। इसके बीच का अंतर अगर आप जान गए तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है? एग्जाम्पल सब लोग ध्यान रख लेना, इसमें आप डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होते, और सिंक्रोनाइज में आप डायरेक्टली अवेलेबल होते हो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप इसको समझ जाओ तो। इंस्टेंट मैसेज, इसमें भी आप अवेलेबल होते हो, कि मैंने एक व्हाट्सएप से मैसेज किया और आपने तुरंत उसका रिप्लाई किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करिए दीपक, बहुत जल्दी बेटा एग्जाम डेट शीट आएगी, हो सकता है 2 से 3 नवंबर के बीच में आपको देखने को मिल जाए। लाइव इंटरेक्शन जहां पर होगा वहां पर क्या हो जाएगा, सिंक्रोनाइज, जहां लाइव इंटरेक्शन नहीं होगा वहां क्या हो जाएगा, अनसिंक्रोनाइज। चीजों को क्लियर करते चलो। डॉट टेम्प एक क्या चीज है, डॉट टेम्प क्या होता है, डॉट टेम्प जल्दी सब लोग आंसर करो। इसका सही आंसर है बेटा ऑप्शन नंबर 3, टेम्पररी फाइल्स, अस्थाई फाइल इसका सही आंसर है। सी किस किसने दिया, प्रणाम एनआरसीएम फॉर यू, आंसर करो बेटा। पुष्पा ने सबसे पहले सही आंसर किया, निवेदिता ने, सत्यरंजन, नीलम, स्ट्रॉन्ग जीके ट्रिक करेक्ट आंसर, उसके अलावा नीलम ने, हिना ने, देवेंदु ने, प्रीति, मनोजीत, लता और राधा, दीपक करेक्ट आंसर, ठीक है? अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। अस्थाई फाइलों के लिए एक्सटेंशन डॉट टीएमपी का उपयोग किया जाता है। आपके सामने मान लीजिए एक मैचिंग आ गई और उस मैचिंग में आपसे पूछा गया डॉट डॉक किसके सामने इस्तेमाल होगा, या डॉक जो है टीएमपी किसके लिए आपको जो है यूज करना होगा, सामने उसके एग्जाम्पल दिए होंगे, या डॉक्यूमेंट्स पूछे जाएंगे, तो ये मैचिंग में इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। इसे फू फाइल, अस्थाई फाइल या स्थाई फाइल के रूप में जाना जाता है। फाइल का नाम इस्तेमाल किए गए प्रोग्राम या ओपनिंग सिस्टम पर भिन्न हो सकता है, ये सब चीजें हैं। प्रोग्राम बंद होने तक अस्थाई फाइल अस्तित्व में रहती है। अब इसको देखो, यहां पे टेम्पररी फाइल इज ऑल्सो नोन एज फू फाइल्स, टेम्पररी फाइल्स और टेम्प फाइल, ठीक है? इसको पढ़ लेना सब लोग, ये पीडीएफ में दे दूंगी। क्वेश्चन नंबर 5 आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर 5 का आईसीटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हिना आंसर करो,
असर्शन रीजन के इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। हिंदी में देखिए, दो कथन दिए गए हैं, आपको बताना है कि ये सही है या नहीं सही है, और जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो सही है या नहीं सही है। और इसका जो सही आंसर होगा नीरज बेटा, इस बार कंपटीशन हाई होने वाला है क्योंकि दोनों साइकिल मर्ज कर दी गई हैं, लास्ट दिसंबर 2020 और जून 2021 के लिए। लेकिन जो जेआरएफ का क्राइटेरिया है उन्होंने 6% पे ही रखा है, यानी आप ये मान सकते हो कि इस बार कंपटीशन बहुत हाई होने वाला है। सिर्फ इस बार ही नहीं, अगली बार भी, बिकॉज क्योंकि उन्होंने कह दिया है भाई 2023 से पीएचडी कंपलसरी हो जाएगी, तो हर कोई यहाँ पर अपनी एक सीट कंफर्म करेगा। तो मैं आप सबसे बार बार यही चीज कहती हूँ कि प्लीज आप लोग अपने प्रैक्टिस पे जोर दीजिए, क्योंकि अभी का एग्जाम और नेक्स्ट एग्जाम दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। शिवांगी गुड आफ्टरनून बेटा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोनों ही एग्जाम, ये वाला भी और इसके बाद वाला भी, क्योंकि दिसंबर वाला एग्जाम फिर से अभी मिस हो रहा है और हो सकता है ये जून के साथ जो है 2022 में एक साथ हो जाए, तो चांसेस कम होंगे और अपॉर्चुनिटी आपकी लिमिटेड ही है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसका। इसको पढ़ लेना, ई कॉमर्स कंपनियां कौन सी होती हैं, कौन सी होती हैं ई कॉमर्स कंपनियां। कौन सी होती हैं ई कॉमर्स कंपनियां। जल्दी आंसर करो। ई कॉमर्स कंपनियां कौन कौन सी होती हैं। नहीं, फिर से पेपर पोस्टपोन नहीं होगा बेटा, फिर से पोस्टपोन नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखना। बताओ जल्दी से। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या ई कॉमर्स एक व्यवसायिक मॉडल है जो इंटरनेट पर सामान बेचने और खरीदने की सुविधा प्रदान करता है, और ई कॉमर्स कंपनियों को किस तरीके से चलाया जा सकता है, इसमें से आंसर। वेरी गुड, स्ट्रॉन्ग जीके ट्रिक। मैं बार बार आपसे कहती हूँ, स्क्रीन पे देखो बेटा, स्क्रीन पे देख के आंसर करो, ये किसके द्वारा रन किया जाता है। अमेजॉन बिल्कुल सही है, ई कॉमर्स कंपनी है, और इसे कंप्यूटर टैबलेट या स्मार्टफोन द्वारा इंटरनेट पर चलाया जाता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इसको भी मैचिंग में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन ये है, बल देकर कहना, और अभी यहां पर देखो, ई कॉमर्स कंपनियां चार तरीके से चल रही हैं, व्यापार से व्यापार, उपभोक्ता तक व्यवसाय, उपभोक्ता से उपभोक्ता, और व्यवसाय के लिए उपभोक्ता। यानी दोनों ऑप्शन सही दिए गए हैं, बस क्या प्रॉब्लम है कि एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है। असर्शन रीजन दोनों का एक बार पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ो जरा। अस्सलाम वालेकुम समीर भाई, आंसर करो बेटा इसका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर कॉम्पोनेंट इज फास्टर इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ एक्सेस, क्या होगा इसका सही आंसर। इसीलिए जब तक एग्जाम ना आ जाए कोई बैठने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर, अपनी प्रैक्टिस पर जोर देना है, और एग्जाम डेट की टेंशन ना लो, उसने तो आना ही है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3,
यहां पर इसको हिंदी में थोड़ा सा ट्रांसलेशन गलत हो गया, रैम होगा इसका सही आंसर यहाँ। ठीक है, इसका यहां पर रैम कर लो। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैम का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? प्राथमिक मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? जल्दी से बताएं समीर, प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? सुरजीत, सत्यरंजन, सेकेंडरी मेमोरीज कौन सी होती हैं? प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी होती है? प्राथमिक मेमोरी जो मुख्य रूप से प्राथमिक भंडारण के लिए किया जाता है, यह प्रोग्राम और डेटा को स्टोर करती है जो वर्तमान में सीपीयू द्वारा आवश्यक है। रैम और रोम प्राथमिक यानी प्राइमरी मेमोरीज हैं। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइमरी मेमोरी एक स्टैटिक डिवाइस है। अब हम आपसे एक और क्वेश्चन पूछने वाले हैं स्क्रीन से देख करके। सिस्टम खुद को बूट करने के लिए, यानी अब अगर आप कोई स्टार्टअप करते हो या सिस्टम को बूट करते हो, रिबूट करते हो, तो कौन सी मेमोरी वहां पर यूज होती है? किसका आप यूज करते हो? सिस्टम खुद को रिबूट करने के लिए किसका उपयोग करता है? सेकेंडरी पेन ड्राइव, बिल्कुल सही है। एचडीडी सेकेंडरी मेमोरी, बिल्कुल सही। पंकज, समीर, देवेंदु, रोम, बिल्कुल सही है। रीड ओनली मेमोरी, ये क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है कि जहां पर सिस्टम खुद को रिबूट करने के लिए रोम का उपयोग करता है। बिल्कुल सही है आपका। अच्छा, कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसकी गति सबसे ज्यादा होती है? कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसकी स्पीड सबसे ज्यादा है या सबसे ज्यादा स्टोरेज कर सकती है? कौन बताएगा इसका आंसर? ये भी आपसे पूछा जाता है कि कौन सी मेमोरी में सबसे ज्यादा स्पीड होती है या फिर किसमें सबसे ज्यादा स्टोरेज होता है। बीच बीच से ही क्वेश्चन आपके सामने ही मैं दिखा रही हूं और उसी में से ही आपको करना है। रैम जो है एक्सेसिबिलिटी के मामले में तेज है। यह एक वोलाटाइल मेमोरी है, यानी बिजली बंद होने में से इसमें डेटा गायब हो जाता है। और किसमें गायब नहीं होता है भाई? रैम में इन्होंने बता दिया डाटा गायब हो जाता है। और कौन सी ऐसी मेमोरी है जिसमें डेटा गायब नहीं होता? शालनी, ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसमें डेटा गायब नहीं होता? सेकेंडरी मेमोरी जस्ट लाइक हार्ड डिस्क। यह डेटा संग्रहित करती है और आसानी से केवल मुख्य मेमोरी द्वारा इसे पुनर्प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा तृतीयक मेमोरी, तृतीयक मेमोरी कौन कौन सी होती है? इसमें स्टोरेज डिवाइस में मास स्टोरेज मीडिया को सम्मिलित करने और हटाने के लिए एक तंत्र शामिल है। एक व्यापक डेटा भंडारण के लिए उपयोग की जाती है, उदाहरण के लिए सीडी और यूएसबी ड्राइव। ये तृतीयक मेमोरी में आते हैं। किसमें आते हैं ये? सैफी, प्रिया, स्ट्रॉन्ग, जी के ट्रे, गीतांजलि, लता, शालिनी, नीलम। आंसर बताओ भाई। रैम एक्सेस की गति के मामले में तेज है। तृतीयक मेमोरी में कौन कौन सा आता है ये लोग पढ़ लेना। प्राइमरी इंग्लिश में, मेमोरीज के बारे में, कौन सी फास्ट है और कौन सी मेमोरी का कौन सा एग्जाम्पल है ये आपके सामने मैचिंग में आ सकता है। इट इज यूजफुल फॉर एक्सटेंसिव डाटा स्टोरेज।
रैम इज फास्ट एंड इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ एक्सेस। क्वेश्चन नंबर सेवन, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर सेवन का। नहीं, कोई पोस्टपोन नहीं होगा बेटा, एग्जाम टाइम पर ही होगा। हिंदी में देखो इसे, स्टोरेज डिवाइस में सूचना के प्रत्येक टुकड़े को उसके स्थान के लगभग समान समय में पढ़ने और लिखने की क्षमता क्या चीज है? ये वाले क्वेश्चन कर लोगे? वेरी गुड बेटा राजेंद्र, नमस्ते बेटा। ये फ्री पीडीएफ क्लास की जिसको भी चाहिए, आई रिक्वेस्ट कि आप जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। चलो भाई आंसर बताओ इसका। और इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। रैंडम एक्सेस क्या होगा इस क्वेश्चन नंबर, तो लिखो भाई क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन, द एबिलिटी टू रीड एंड राइट राइट ईच पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ स्टोरेज डिवाइस इन अप्रोक्सीमेटली द सेम लेंथ ऑफ टाइम ऑफ इट्स लोकेशन इज। ऑप्शन नंबर डी, रैंडम एक्सेस। सबका करेक्ट है कि रॉन्ग हो गया? कंफर्म बताओ जरा, रैंडम एक्सेस क्यों होगा? तनु बिल्कुल सही है भाई, आप सब सही हो, आपको कौन गलत बता देगा भाई, सही आंसर कर रहे हो बिल्कुल। मुझे उम्मीद नहीं थी यार तुम लोग इतने अच्छे से इसको कर लोगे, सही बता रही हूं। मुझे लग रहा था यार कहीं फंस ना जाओ इस पेपर पे, लेकिन तुम लोगों ने तो इसको उड़ा दिया। अच्छा कौन सी इसको डायरेक्ट एक्सेस के रूप में जाना जाता है? रैंडम एक्सेस को डायरेक्ट एक्सेस के रूप में जाना जाता है। इसको पढ़ लेना, इसको पढ़ने का काम आपका है। रैंडम एक्सेस इज ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट एक्सेस, ठीक है, इसको पढ़ लेना, ये आपका काम हो गया। पाइथन इज एन रीजनिंग के भी क्वेश्चन कराती हूं वैशाली, जिसको भी जेआरएफ चाहिए भाई आंसर करते रहो। ये मत सोचो कि गलत हो गया तो क्या होगा, कोई बात नहीं बेटा, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। अब एक चीज और बता दो जरा, पाइथन जो है क्या चीज है? और इसका जो सही आंसर है वो है सांप है क्या? मुझे तो लग रहा है सांप है ये। इसका सही आंसर है केवल एक, यानी सिर्फ एक प्रोग्रामिंग भाषा है ये। ऑप्शन नंबर टू बिल्कुल सही है, ये एक प्रोग्रामिंग भाषा है। 2019 में भी आपसे पूछी गई थी कि ये कौन सी जनरेशन की भाषा है। अब इस क्वेश्चन पे एक क्वेश्चन आपके लिए बोनस में। अब आप मुझे ये बताओ, पाइथन आपके लिए बिल्कुल सही कहा है आपने, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन सांप पढ़ा था क्या? अब ये बताओ ये कौन सी जनरेशन की लैंग्वेज है, ये कौन सी जनरेशन की लैंग्वेज है? प्रिया बताओ बेटा, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, पसंद नहीं आया क्या? बहुत इंफॉर्मेशन अच्छी है भाई, लाइक कर दो वीडियो को एक और शेयर जरूर कर देना। बताइए जरा,
फिफ्थ जनरेशन। और फिफ्थ जनरेशन की कौन कौन सी भाषा है बेटा? ये फिफ्थ जनरेशन बिल्कुल सही है। फिफ्थ जनरेशन की और कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं बताओ जरा। फिफ्थ जनरेशन बिल्कुल सही है आपका, लेकिन और कौन सी भाषाएं हैं जरा निकालो अपने अंदर से, पाइथन के अलावा कौन कौन सी हैं। थैंक यू प्रिया। हेलो ज्ञान जीएस सेंटर, बताएं प्लीज कंप्यूटर के फिफ्थ जनरेशन की। एक तो पाइथन यहाँ पर लैंग्वेज हो गई, उसके अलावा कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं? सी प्लस प्लस वैशाली फिफ्थ जनरेशन है क्या? मुझे फिफ्थ जनरेशन की चाहिए। सब लोग अपने अपने गूगल बाबा पे सर्च करो, अपने अपने एंड्रॉइड पे सर्च करो और देखो कि कौन सी फिफ्थ जनरेशन की लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि ये आपसे पूछी जा रही है। सी सी प्लस जावा, वेरी गुड। जावा लोगो पास्कल, मैंने सिर्फ आपसे फिफ्थ जनरेशन की पूछी है, पूरी मत बता देना। सी लैंग्वेज, सी प्लस जावा, इसको आप लोग मुझे सर्च करके एक बार टेलीग्राम पे कंफर्म कर दियो जरा। पाइथन एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है। पाइथन एक क्रॉस प्लेटफॉर्म भाषा है, यानी विभिन्न प्लेटफॉर्म पर चल सकती है। पाइथन एक स्वतंत्र और मुक्त स्रोत प्रणाली है, यह तो बिल्कुल सांप के जैसी है यार, कहीं पर भी चल जाएगी, है ना। यह दो मोड में काम करती है, इंटरेक्टिव मोड और स्क्रिप्ट मोड। यह वस्तु उन्मुख है और गतिशील शब्दार्थ के साथ संयुक्त है। पढ़ लीजिए सब लोग, स्रोत कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने के लिए इसका उपयोग दुभाषिया के रूप में किया जाता है। यहां पर आप ये समझो बेटा कि यहां पर आपके सामने पूरा कॉन्सेप्ट लिखा है, मोनोजीत, सी सी प्लस प्लस, जावा, विजुअल बेसिक, जावा स्क्रिप्ट, VLSI, SQL, फोर्थ जनरेशन, वेरी गुड। ये सारी जनरेशन के मुझे चाहिए, है ना, वेरी गुड। सब लोग बेटा सर्च करो, क्योंकि ये आपसे पूछी जाएंगी। प्रोग्रामिंग भाषा कौन कौन सी होती हैं? पाइथन, फोरट्रॉन, अलगोल। फोरट्रॉन कौन से जो है जनरेशन की भाषा है बताओ जरा। अब आप लोग फंसोगे, फोरट्रॉन जो है कौन सी जनरेशन की भाषा है? अभी आपने पाइथन बताया, फोरट्रॉन बताओ कब की भाषा है, अलगोल कौन सी उसकी भाषा है। सब लोग क्या करते हैं, PYQ को रट लेते हैं, और जब वही क्वेश्चन आते हैं तो सबका पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छा हो जाता है, लेकिन जब अलग पूछ लिया जाए तो डब्बा गोल हो जाता है। गुलन्यास, गुड आफ्टरनून बेटा। पाइथन कुछ भी कर सकता है, सांप है, वेरी गुड। फर्स्ट जनरलाइज 1940-56, सेकेंड 1957-62, थर्ड 1963। फोरट्रॉन जो है ये कौन सी लैंग्वेज, ये लैंग्वेज कौन सी जनरेशन की है, अलगोल कब की है? इसका उपयोग कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में एल्गोरिदम को लागू करने के लिए किया जाता है। विभिन्न प्रकार के आउटपुट का उत्पादन करने के लिए निर्देश का एक सेट है। मैं मजाक नहीं कर रही बेटा, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है इस तरीके से आपसे मैचिंग हो जाए। मैं आपको रट्टा नहीं मरवा रही बेटा, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर मान लो पाइथन के बारे में आपसे पूछा जाए, यहाँ पे लिखा हो फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, तो एटलीस्ट आपको हर एक लैंग्वेज का पता होना चाहिए। मेरे क्वेश्चंस याद रखें, क्योंकि ये आपसे पूछे जाएंगे। फोरट्रॉन में फोर्थ जनरेशन, ठीक है। अब आपसे मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम पूछ लिया जाए, ये सॉफ्टवेयर जो सभी बुनियादी कार्य करता है, विंडोज, लिनक्स, इसके अलावा कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है बताओ जरा। यह उपयोगकर्ता को हार्डवेयर घटकों के बीच एक इंटरफेस है। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहां बनता है, सर्च इंजन, सर्च इंजन से क्वेश्चन आता है, अगर आप ये तैयार कर लो तो आपके 2 मार्क्स तो यहाँ कंफर्म हो जाएंगे। मैं बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ बहुत छोटी छोटी चीजों को कर रही हूँ, यानी बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और ये छोटे छोटे क्वेश्चन आपके पूरे 50 मार्क्स कंफर्म कराते हैं।
थैंक यू सर, स्ट्रॉन्ग जीके ट्रिक। बस बेटा ऐसे ही आप लोगों को, देखो आपके सामने पीडीएफ है, आप इसमें क्या कर रहे हो, आप अपना दिमाग लगा रहे हो, आप इसमें से नॉलेज गेन कर रहे हो, आप अपने गूगल बाबा को चेक कर रहे हो, यानी ओवरऑल इस समय आप सब एक्टिव मोड में हो। और मुझे एक्टिव ही बच्चे चाहिए, ये नहीं कि रटा हुआ आ गया और आपने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस दिए होते हैं सर्च इंजन के। पहला आपसे पूछा जाता है सर्च इंजन क्या होता है, या आपके सामने आ गया सर्च इंजन लैंग्वेज और इससे रिलेटेड आपके एग्जाम्पल। तो जब तक आपको पता नहीं होगा, जैसे ये बायदू, अगर आपको ध्यान है 2020 में इससे जुड़े क्वेश्चन आया था, 2019 में इससे जुड़े क्वेश्चन आए थे और इस बार भी आएंगे, ठीक है। गूगल याहू, वेरी गुड। फोरट्रॉन, थर्ड जनरेशन की भाषा है। वैशाली वही मैं आपसे कह रही हूं, आप लोग मुझे सर्च करके बताना। और इसका मैं फिर भी किसी दिन, अब सांप क्या है, कौन बताएगा सांप आ गया, सांप यार, एनाकोंडा, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ठीक है। कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, अपना एक बार एंड्रॉइड सबके पास है, सब लोग इसको यूज करना। और अब आप कहोगे यार मैडम ये वन लाइनर इस तरीके से थोड़ी ना आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, मैंने कब कहा कि आएंगे वन लाइनर यार। मैं ये कह रही हूं, मान लीजिए आपसे ये कहा गया, स्टेटमेंट में एक क्वेश्चन दिया गया, पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, करेक्ट। उसके बाद आपसे ये 5 पॉइंट पूछ लिए गए, फिर आपसे नीचे कोड में पूछा गया कि बताओ भाई ये जो ऊपर के 5 पॉइंट दिए हैं ये सही है कि गलत है। तो जब तक आपको ये वन लाइनर नहीं पता होंगे तो बाकी के कैसे सॉल्व करोगे। मैंने कब कहा कि यार सेम ऐसे ही आ जाएगा, मैं तो कह रही हूँ घुमा के देंगे यार वो। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, सर्च इंजन, इन सब के एग्जाम्पल आपके सामने एज आ मैचिंग में दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर कौन करेगा, इसको मुझे कंफर्म करके बताना सब लोग। समीर, एनटीए वाले कहीं भी किसी को भी ला सकते हैं बेटा, समझे। तो हर तरीके से अपने आप को तैयार रखो, क्या चीज आ जाएगी। इंटरनेट में डब्लू 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 शब्द में चौथा डब्लू किसके लिए है, कोबोल थर्ड है, वेरी गुड। गीतांजलि, यहां पर पुष्पा शानली, यार क्वेश्चन को पढ़ो, सुरजीत का आंसर सही है यहाँ पे, बाकी गलत हो गए हैं। समीर का आंसर सही है, ध्यान से देखो, स्ट्रॉन्ग जीके ट्रिक का सही है, देवेंदु करेक्ट है, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ ही नहीं रहे यार। गुलन्यास का करेक्ट है, समीर का करेक्ट है, देवेंदु करेक्ट है, समीर करेक्ट है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आपसे, फोर्थ वर्ड पूछा गया था, चौथा चौथा डब्ल्यू किसके लिए है, वर्ल्ड वाइड वेब तो सभी को पता है, ये थोड़ी ना मैंने पूछा था यार, मैंने फोर्थ वर्ड पूछा था। ये तीन आपको पता है आई नो, लेकिन मैंने फोर्थ जो डब्ल्यू है उसका पूछा था, और उसका सही आंसर होगा वॉर्म यानी कृमि। यार तुम लोग गूगली पे आउट हो गए यार, गूगली पे कौन आउट होता है, बिल्कुल। अब आ गई सबको समझ, अब सही है, अब सही जा रहे हो। बस यही मैं कहती हूं कि हो सकता है बहुत ही इजी क्वेश्चन हो और आप सोच रहे हो यार पता नहीं कितना है यार ये टफ है, तो थोड़ा सा इजीली भी लो। का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब वर्म है, ठीक है। अब यहां पर इसकी जानकारी पढ़ लो, डब्ल्यू 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 का आविष्कार किसने किया था, डब्ल्यू 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 किसने जो है आविष्कार किसने किया था। कोई बात नहीं सैफी, सीखो बेटा, किसने आविष्कार किया था वर्ल्ड वाइड वेब का। पीडीएफ को देख के आंसर बताते जाओ, और याद रखना ऐसे ही आपको आरसी सॉल्व करनी है, क्योंकि आरसी के क्वेश्चन आपको आंसर जो है आपको पूरे उसी में ही मिलेंगे, पैराग्राफ में।
टिम बर्नर्स-लीस ने 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था और 2004 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय द्वारा टिम बर्नर्स-ली को नाइट की उपाधि दी गई थी। आपके सामने ही स्क्रीन पे है, अब उसी में से ही आंसर करना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 10, अब ये देखते हैं कौन दे पाएगा। ये क्वेश्चन कम से कम अभी तक 5 से 6 बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। आंसर करिए। सर टिम बर्नर्स, बिल्कुल सही बेटा, ईयर भी याद रखना और वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको लग रहा हो कि इंफॉर्मेशन अच्छी है, आपके लिए यूजफुल है, तब उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। मेरी बात हो गई है इनकम टैक्स वालों से, तो मैंने कहा जो बच्चे मुझे लाइक करेंगे आप लोग प्लीज उनके ऊपर रेड मत मारना, तो उन्होंने कहा ठीक है हम रेड नहीं मारेंगे, बच्चों से कह दो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, तो बिना डरे लाइक और शेयर कर सकते हो आप। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में क्या क्या शामिल है? आईसीटी से रिलेटेड हमेशा आपसे पूछा जाता है और इसका सही आंसर है ऑल, यानी कि सभी। क्या पक्का? पक्का बताओ भाई, इसमें से कौन सा करेक्ट है? आंसर डी सही है। यहां पर तो सिर्फ डी ही सही है, तो सब कैसे बोल रहे हो तुम लोग कि सब सही है? कैसे सही है, सब है क्या? सामिया, बिल्कुल सही आंसर है बेटा, डी बिल्कुल सही है। अब एक बार यहां पर भी देख लो, इसको पढ़ लेना क्योंकि ये पढ़ना आपके लिए जरूरी है। ये दूर संचार प्रणाली का एकीकरण है आईसीटी, इसको सब लोग पढ़ लेना क्योंकि एक बारी मैं पहले करवा चुकी हूं, ठीक है? ये डायग्राम पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रही हूं अब मैं। ओ यार, ये पाइथन पीछे पड़ के रह गया यार, हद हो गई इसकी तो यार। पाइथन इज, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया। अब तो सभी का आंसर सही होने वाला है। एनआरसीएम फॉर यू प्रीति, नीलम, प्रिया, पुष्पा। स्ट्रॉन्ग जीके ट्रिक प्रिया, विशाली, तनु। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया। असलम, गुड आफ्टरनून बेटा। पाइथन क्या चीज है? मुझे लग रहा है कोऑपरेटिंग सिस्टम है ये। अभी अभी सबने पढ़ा था ये, फिर से घूम के आ गया। सुरजीत, शालिनी, गुलन्यास, सामिया, सैफी। घूम घूम कर आ रहा है यार ये क्वेश्चन, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, बिल्कुल सही बात है। ओहो हो, पाइथन एक व्याख्यात्मक, ओहो, उच्च स्तरीय समान उद्देश्य वाली प्रोग्रामिंग भाषा है। यह गुइडो वैन रोसुम द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाई गई पाइथन? पाइथन को किसने बनाया था? आपके सामने एक क्वेश्चन है, पाइथन को किसने बनाया था? नीलम, राजेंद्र, वैशाली, बताओ बेटा। मोनोजीत, पाइथन को किसने बनाया था? ऐसे ही आपको आरसी के क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा, एग्जाम में तो पक्का आना है, लैंग्वेज तो पक्का आएगी और फिफ्थ जनरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएगा। ये देखो पहले ही यहां पर बता तो दिया, गुइडो वैन रोसुम। बैटरी शामिल भाषा किसे कहा जाता है? बैटरी शामिल भाषा किसे कहा जाता है? ओए होए, अब यार फंसे। अब यहां पर देखो, बैटरी पाइथन को, मतलब नाम ही देख लो यार, मुझे लग रहा है सपेरा अपेरा होगा कोई। इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2000 में लॉन्च किया गया पाइथन 2.0 तुलना संख्या के साथ सूची समझ और अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली जैसी सुविधाओं का जोड़। 2.0
ये 2.0 देख के मुझे रजनीकांत की मूवी याद आ गई। वो कौन सी आई थी, नाम याद है किसी को? यार मोबाइल के ऊपर बनी थी जो 2008 में। पाइथन 3.0 एक बड़ा भाषा उन्नयन था जो पूरी तरह से पीछे संगत नहीं था। बहुत सारे पाइथन 2 कोड पाइथन 3 पर अनमॉडिफाइड नहीं थे। पाइथन 2 भाषा में औपचारिक रूप से 2020-2015 के लिए पहले सेट में सेवानिवृत्त किया गया। अरे यार बड़ा लंबा क्वेश्चन है यार ये तो, बड़ा ही देखो ध्यान से। 2.0, 3.0 देख लो ध्यान से भाई सब लोग। और स्क्रीन पे जो चीज लिखी हो उस पर जरूर फोकस करो, पढ़ो। ड्यू टू एक्सटेंसिव स्टैंडर्ड लाइब्रेरी पाइथन इज ऑल्सो डिफाइंड एज बैटरीज इंक्लूडेड लैंग्वेज। देखो निवी इंग्लिश में देखो बेटा, रोबोट। हाँ रोबोट असलाम, बिल्कुल सही बात बेटा। रोबोट आई, रोबोट ही तो थी, नहीं रोबोट नहीं थी यार, जिसमें यार बहुत सारे अक्षय कुमार था, जिसमें कौन सी थी, रजनीकांत की? अरे नहीं समीर, रोबोट नहीं थी वो। अरे यार वो मुझे नाम नहीं याद आ रहा, रजनीकांत की क्या मूवी का नाम था जिसमें वो यार बोल रहा था मोबाइल का, अक्षय कुमार था उसमें। इसको देख के, ये पाइथन वाइथन देख करके ना, और 2.0 ये देख करके मुझे वही याद आ रही है उसकी मूवी, पता नहीं क्या नाम था यार। चिट्टी रोबोट में था यार वो, तो अलग था वो वाली, पता नहीं कौन सी मूवी थी। अब मेरे को दिमाग में बनी रहेगी जब तक मुझे मिल नहीं जाती। चलो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट निवेदिता, बेटा इसको पढ़ लेना सब लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको पढ़ लेना। पाइथन 2.0 कब लॉन्च हुई थी, रिलीज हुई थी, और पाइथन 3.0 कब रिलीज हुआ था। थैंक यू नीलम। अरे नहीं यार तुम लोग वो पहुंच नहीं रहे, मोबाइल के ऊपर जो बनी थी यार, अक्षय कुमार था जिसमें विलेन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एब्रिविएशन बायोस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर करो बायोस का फुल फॉर्म। पारुल गुड आफ्टरनून बेटा, कैसे हो आप? गुलनियाज 2.0, अरे अक्षय कुमार वाली पता नहीं कौन सी थी यार, अब पता नहीं याद भी नहीं आ रही है। आंसर करो, टू पॉइंट जीरो ही थी। हाँ यार 2.0 ही थी, सही बोल रहे हो तुम लोग, यही था। वैशाली साउथ की मूवी बहुत पसंद है मुझे। बायोस का फुल फॉर्म बेटा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन नंबर 3। तनु बेटा अभी मैं प्रॉपर पेपर 2 की क्लासेस नहीं ले रही हूं, लेकिन बीच बीच में मैं वीडियोस डालती हूँ। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, पेपर 2 की लिंक डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है इस वीडियो की, जहां पर आपको काफी अच्छी नॉलेजेबल स्टडी मटेरियल फ्री में मिलेगा। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना एक बार सब लोग, ठीक है? अब यहां पर देखो क्या है बायोस। यह वे प्रोग्राम है जिसे एक पर्सनल कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर आपके द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को चालू करने के बाद शुरू करने के लिए उपयोग होता है। यह कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्ड डिस्क, वीडियो अडेप्टर, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर जैसे संलग्न उपकरणों के बीच डेटा प्रवाह का प्रबंधन करता है। बायोस एक फर्मवेयर है, ये आपके सामने एक स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है। बायोस क्या है? राबिया गुड आफ्टरनून बेटा, राबिया क्लास स्टार्ट हो गई थी बेटा 12:30 बजे, 12:30 क्या पौने एक ही हो गया था यार। यह कंप्यूटर मदरबोर्ड के एक हिस्से पर एक चिप पर संग्रहित होता है और मूल रूप से निर्देशों का सेट होता है जो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने में मदद करता है। इंग्लिश में देख लो बेटा, बेसिक आउटपुट इनपुट आउटपुट सिस्टम इज द प्रोग्राम अ पर्सनल कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर यूज टू गेट द कंप्यूटर सिस्टम स्टार्टेड आफ्टर यू टर्न इट ऑन। बायोस इज अ फर्मवेयर,
मैंने क्या कहा, जैसे बायोस के बारे में आपसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वही पॉइंट है यहाँ पे कि बायोस इज अ फर्मवेयर, इन शॉर्ट इट इज स्टोर्ड ऑन अ चिप ऑन अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर मदरबोर्ड एंड इज बेसिकली अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डेट रन टू हेल्प लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप सबको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आंसर करेक्ट करते चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैशाली, महेश बाबू, अरे यार बहुत लोग हैं यार साउथ के, तो हर बंदा है यार, ग्रेट है। सुरजीत बेटा, अभी पेपर टू की प्रॉपर क्लासेस नहीं ले रही हूं, लेकिन इंग्लिश का पेपर टू का ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम पे, तो वहां पर आपको बहुत अच्छे क्विज मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेगा, तो पेपर टू के आप ज्वाइन कर लो टेलीग्राम, वहां पर सब मिल जाएगा। ओके शालिनी बेटा, बाद में देख लेना, नहीं तो पीडीएफ पढ़ लेना। हाँ गुलन्यास, डेली क्लासेस होती है बेटा, और रात को होती है क्लास पीवाईक्यू की, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का रिवीजन रात को होता है, इस समय यूनिट वाइज क्लासेस होती हैं पेपर वन। ठीक है, और इसका आंसर क्या होगा, हिंदी में देखो सब लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़े टाइम के लिए दिमाग बिल्कुल सेट हो जाएगा सबका। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन, दोनों सही है और सही व्याख्या भी है। ये वाला क्वेश्चन आपको बता दे 2020 में आपके सामने आया था, 2018 में भी आया था, तो फिर से 2021 में आने के चांसेस हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसका एक्सप्लेनेशन भी सब लोग पढ़ लेना कि आईसीटी में क्या चीजें होती हैं, अभी कथन क्यों सही है इसकी व्याख्या पढ़ लेना, उसके अलावा जो कारण दिया गया है वो क्यों सही है उसकी भी व्याख्या पढ़ लेना, तो क्लियर हो जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ये पढ़ने का काम आपका है, आप पढ़ेंगे, दिमाग लगाएंगे, आईसीटी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग ई गवर्नेंस एंड टेक्नोलॉजी। मेरा काम है आपको बताना कि किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आएगा। रात को बेटा 8:30 बजे क्लास होती है, मोनोजीत बिल्कुल सही बेटा, आया था ना असलम। अच्छा एक चीज बता दो, आप लोग अभी तक की आपने पेपर अभी ये पूरा देखे, क्वेश्चंस देखे, आपको लगता नहीं है ये कितने इंपॉर्टेंट है, मतलब हर एक चीज बारीकी से है, और सिर्फ क्वेश्चन नहीं उसका एक्सप्लेनेशन भी जो है उससे ही आपके बहुत से क्वेश्चन फंस जाएंगे। ठीक है, इसलिए कोई भी ये मत करना कि यार पीडीएफ दे दिया मैम ने, अब रख के बैठ जाओ, अचार नहीं डालना, पढ़ना है, क्योंकि अभी टाइम कैसे निकल जाएगा आपको खुद नहीं पता चलेगा। ई गवर्नेंस और प्रौद्योगिकी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राबिया बेटा ऊपर देखो चैट सेक्शन पे, निवेदिता अधिकारी के नाम से यहाँ पर टेलीग्राम लिंक है, ऊपर देखो साथ में, उसको ज्वाइन कर लो, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे पेपर वन पेपर टू दोनों की लिंक है टेलीग्राम की, ज्वाइन कर लो, इम्पोर्टेंट है ना सैफी असलम, वही मैं कह रही हूँ बेटा, रिपीट होंगे ये क्वेश्चन, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू, यानी 2 और 4। विकी से पिछली बार 2020 में क्वेश्चन आया था विकी के बारे में, और देखो विकी इसमें शामिल है, माई स्पेस दुनिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले नेटवर्क में से एक है, और विकी एक समूह सहयोग सॉफ्टवेयर उपकरण है जो वेब सेवा प्रौद्योगिकी पर काम कर रहा है। ठीक है, बात समझ आ रही है विकी के बारे में, विकिपीडिया। हाँ, फेसबुक का नाम मेटावर्स हो गया है, शॉर्टकट में मेटा है बेटा, लेकिन फुल फॉर्म मेटावर्स है। वैशाली, ये भी पूछा जा सकता है, करंट अफेयर से भी आपसे पूछे जा सकती हैं चीजें,
RSS, what is RSS? रिच साइट सारांश नियमित रूप से बदलती वेब सामग्री वितरित करने का एक प्रारूप है. What is RSS? कई समाचार संबंधित साइटें, वेब ब्लॉग और अन्य ऑनलाइन प्रकाशक अपनी सामग्री को RSS फीड के रूप में सिंडिकेट करते हैं जो कोई भी इसे चाहता है. पढ़ लीजिए, यह प्रत्येक साइट पर व्यक्तिगत रूप से जाने की आवश्यकता नहीं होने से समय बचाता है और गोपनीयता को भी सुनिश्चित करता है. RSS के बारे में भी पूछा जा सकता है. वेब सेवा प्रौद्योगिकी पर काम करने के लिए उपयोगी उपकरण है. व्हाट इज माई स्पेस? माई स्पेस अमेरिकी सोशल नेटवर्किंग सेवा है. पढ़ लीजिए इसके बारे में. मोनोजीत, अभी देखो धीरे धीरे क्या इम्प्लीमेंटेशन होता है फेसबुक में भी, ठीक है. यूट्यूब बन जाएगा दूसरा वो. माई स्पेस अमेरिकी सोशल नेटवर्किंग साइट है. 2005 से 8 तक दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट थी जो प्रति माह 100 मिलियन से अधिक उपयोगकर्ताओं तक पहुंचती थी. माई स्पेस का प्रौद्योगिकी, पॉप संस्कृति और संगीत पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा. फेसबुक सबसे बड़ी सोशल मीडिया साइट है. अभी इसका जो नाम चेंज हो रहा है या कंपनी का नाम चेंज हो रहा है, इसको आप लोग देख लेना. यह अधिकांश छात्रों के लिए सबसे उपयोगी सोशल नेटवर्किंग साइट है. विकी, जब भौगोलिक रूप से बिखरे हुए टीम के सदस्यों को सहयोग की आवश्यकता होती है तो विकी का उपयोग किया जाता है. RSS, रिच साइट समरी, पढ़ लो सब लोग. जैसे बुक पढ़ते हो ना, वैसे ही आपको यहां पर ना सिर्फ PDF पढ़नी है, आपको क्वेश्चन के आंसर भी करने हैं, ठीक है. व्हाट इज RSS, ये PDF मैं दे दूंगी. व्हाट इज माई स्पेस, फेसबुक, विकी. क्वेश्चन नंबर 15 आंसर करिए. अभी अभी इससे क्वेश्चन पूछा भी था मैंने. अरे यार ये टक्कर मारना पता नहीं क्यों लिख दिया यार. राम होगा यार, रैम, राम जी. आंसर बताओ बेटा इसका. अमेरिकन सोशल नेटवर्किंग साइट है, बिल्कुल सही. RSS, असलम, हाँ बिल्कुल सही समझे बेटे. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज फॉर्म ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज, यानी किसे द्वितीयक भंडार का एक रूप नहीं माना जाता. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, आंसर बताओ जल्दी से. क्या बात है, सभी को पता है. द्वितीयक भंडारक नहीं माना जाता, ये प्राइमरी स्टोरेज में इसको माना जाता है, इसलिए ये सेकेंडरी स्टोरेज में नहीं माना जाता. जबकि फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल और फ्लैश ड्राइव किसमें आती हैं? सेकेंडरी स्टोरेज में आती हैं. अब यहां पर इन दोनों की विशेषताएं हैं, प्राथमिक मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी. इसके बारे में आपको पढ़ना होगा. इसके उदाहरण कौन से हैं? रैम और रोम. और सेकेंडरी के हार्ड डिस्क, सीडी रोम, डीवीडी रोम, फ्लॉपी डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव और चुंबकीय टेप. इसके बारे में पढ़ लेना, क्योंकि ये आपसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में, असर्शन रीजन में पूछा जा सकता है. रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या चीज होती है? फ्लॉपी डिस्क क्या चीज है? ठीक है, डिस्क स्टोरेज है. ऑप्टिकल डिस्क क्या चीज होती है? ऑप्टिकल डिस्क क्या चीज है और ये कितना GB तक सेव कर सकती है? ब्लू रे डिस्क जो नवीनतम प्रकार की ऑप्टिकल मीडिया है, 50 GB तक डेटा स्टोर कर सकती है. फ्लैश ड्राइव यानी पेन ड्राइव जिसको कहते हैं, एक डेटा स्टोरेज डिवाइस है जिसमें कि एकीकृत USB इंटरफेस के साथ फ्लैश मेमोरी शामिल है. फ्लैश ड्राइव की क्षमता 8 GB यानी GB और 1 TB यानी TB के बीच होती है. कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है ये पूरा पढ़ लेना. प्राइमरी और सेकेंडरी इसकी पूरी स्पेशलाइजेशन पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑप्टिकल, फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव. तो यहां मैंने आपको आज ICT के 15 क्वेश्चन
सॉल्व करवा दिए हैं विद एक्सप्लेनेशन, लेकिन ये जो एक्सप्लेनेशन है इससे आप क्या कर सकते हो, कम से कम 100 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। इसलिए ये पूरी पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट है जो अब आपको मिलने वाली है। कहाँ पे? टेलीग्राम पे, इजी नोट्स एनटीए, इजी नोट्स फॉर यू ऑनलाइन स्टडी के नाम से सर्च कर सकते हो टेलीग्राम को। पेपर 1 पेपर 2 दोनों के स्टडी मटेरियल अवेलेबल हैं। अब आपसे मिलेंगे हम रात को, तब तक अपना ध्यान रखें, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।